अब ठीक है लासा बोसो, यार अल्लाह का वास्ता है कि अब तो मेरे भेजे हुए सिग्नल्स को देख लो आप। अगर आप लोगों ने सिग्नल्स नहीं देखे और मैंने आज शाम का डिनर अपने घर पर नहीं किया तो मैं 190 साल तक जिंदा रहूंगी और जब तक जियूंगी किसी से बात नहीं करूंगी। पता है मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है, इतनी देर से तुमसे बात नहीं हुई। देखो ये बिलावा जी क्यों मुस्कुरा रहा है। सब कुछ सही हो जाएगा, ठीक है। बेचारा, ऐसा लगता है कहीं खो गया है, जैसे मोहब्बत में पूरी तरह पागल हो चुका हो। क्या करने गई थी? मैं कुछ भी नहीं कर रही, घूम रही थी यहाँ वहाँ, टूर ले रही थी। मैंने देखा, उसकी तरफ से आते हुए देखा। आह, दरअसल बात यह है, मुझे हमेशा से ही शौक था कि मैं डेक हाउस देखूं, इसीलिए चली गई। सिर्फ बाहर से ही देखा था ना, तो इसीलिए सोचा कि आज अंदर से देख के अपना शौक पूरा कर लूं। पसंद नहीं आया मुझे, बहुत ही सिंपल सा है, मेरी सोच से मुख्तलिफ। मैंने तो सोचा था कि बहुत मुख्तलिफ होगा, मगर उसमें कोई खास बात नहीं थी, बिल्कुल सिंपल लगा। ये तो वाज़ेह है कि तुम झूठ बोल रही हो। अगर झूठ बोलना हो तो ज्यादा नहीं कम बोलना चाहिए, या बोलना ही नहीं चाहिए। हाँ। हाँ। छोड़ दो मैं। यशम, यशम उठो, यशम प्लीज जागो, यशम, यशम खुदा का वास्ता है कि जागो, प्लीज, मत रोइए यशम बाजी। ठीक है चंगेज, मैं एक घंटे में बैंक पहुंचता हूं। अगर तुम लोन की फॉर्मेलिटी पूरी कर लो तो मुझे वहां कर सिर्फ साइन करने होंगे। हाँ मैं जानता हूं ये बड़ी रकम है, लेकिन मुझे इसकी शदीद ज़रूरत है। इतने कम वक्त में मेरी लोन पास करवाने के लिए तुम्हारा बहुत शुक्रिया। जल्द मिलते हैं, खुदा हाफिज़। गुड मॉर्निंग दानिया। आपको भी गुड मॉर्निंग सर, लेकिन माफ़ कीजिएगा, मैंने आपको फ़ोन पर बातें करते हुए सुन लिया, कुछ कहना चाहती हूँ मैं। हाँ कहो दानिया। आपने उन लोगों को हमारे कर्ज की रकम अदा की थी। हाँ। कहीं उसकी वजह से तो आपको पैसों की जरूरत नहीं पड़ गई? यानी मैंने सुना था कि आप लोन ले रहे हैं, तो आपने कहा वो बहुत बड़ी रकम है। धानिया, तुम्हें पैसे देने की वजह से मुझे पैसों की जरूरत नहीं पड़ी। ठीक है, मगर फिर भी तो आपको पैसों की जरूरत है ना। आई मीन मेरे पास कुछ जमा तो नहीं है, लेकिन मैं कुछ महीनों बिना तनख्वाह के काम कर सकती हूँ आपके लिए। जरा बताओ सैलरी ना लेने से क्या हो जाएगा? पता नहीं, शायद वो रकम आपके किसी काम आ जाए। मतलब रकम छोटी होगी लेकिन मेरा खर्चा तो उतर जाएगा ना। तुम्हें लगता है तुम्हारी सैलरी तुम्हारे बॉस की जिंदगी बचा लेगी? खैर इससे किसी की क्या जान बचेगी, और वैसे भी तनख्वाह के मामले में मेरे बॉस काफी कंजूस है। ओ, वाकई? यानी तुम अपने बॉस से खुश नहीं हो? नहीं नहीं, उनसे अच्छा इंसान तुम्हारी जिंदगी में कभी नहीं देखा, मैं बस उन्हें मुश्किल में नहीं देखना चाहती। अरे नहीं दानिया, हमें कंपनी के लिए लोन चाहिए, तो तुम कुछ नहीं कर सकते। खैर काम कैसा चल रहा है? Well, कंपनी में सब कुछ ठीक चल रहा है। आजकल हम बरूचो के शॉपिंग बेटा वर्जन को चेक कर रहे हैं। ठीक है,
बातों पर कैसे यकीन करूं यार? कहता है कि मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूं, लेकिन मेरे लिए मामलात को मुश्किल मत बनाओ। लेकिन मैं मुश्किल खड़ी करते ही कब हूं? तुम सुबह होते ही दानिया के घर चले जाते हो और मैं तुमसे इस बारे में कुछ पूछ भी नहीं रही हूं। अब इसका मतलब यह है कि तुम मुझे फोन नहीं करोगे? हाँ, शायद वो खुश होगा इसलिए फोन नहीं किया। पहले तो मुझे लगता था कि ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन अब लगता है कि वाकई कुछ होगा। कोई बात नहीं, सोशल मीडिया से तो उसके बारे में मालूम कर सकती हूँ। ठीक है रिफ्की, मैं करूंगी। दानिश का बाहर भी पीछा करूंगी, कहीं जान नहीं छोड़ूंगी। लेकिन मैं वाकई में सच कह रही थी, वो दानिया के घर गया था उससे मिलने के लिए। मॉर्निंग दोस्तों। गुड मॉर्निंग मैडम। जफर, पहले डाटा को चेक कर लो, फिर हम नए वाले डाटा पे काम करेंगे, ओके? ठीक है दानिया मैडम। रुको जरा, एक मिनट रुको। क्या ब्रोचो की ग्रीन वाली शिप्स नहीं है? बिल्कुल है मैडम। तो मतलब इन काली शिप्स से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है ना? नहीं मैडम, ये फॉरेन शिप्स हैं। लेकिन ये इस फॉरेन शिप ने हमारे सिस्टम को हैक किया है, और इसके अलावा ये मदद का सिग्नल भी भेज रही है। सही कहा आपने। चंगेज की वजह से हमें बहुत जल्दी लोन मिल रहा है। कल तक दादा ने भी इंतजाम कर दिया तो। और अगर तुफैल भाई के गिरवी वाले मामला आज ही हल हो गए तो कल तक सब ठीक हो जाएगा। सब ठीक हो जाएगा, फिक्र मत करो। ठीक है? मैं फिक्रमंद नहीं हूँ। अच्छी बात है, मैं ठीक हूँ। क्या बात है दानिया? दानिश सर, एक प्रॉब्लम है। कैसी प्रॉब्लम? दानिया, ये वक्त बिजनेस के मामलों पर बात करने के लिए मुनासिब नहीं है। यालन सर, थोड़ी सीरियस प्रॉब्लम है, किसी ने हमारे सिस्टम को हैक कर लिया है। क्या? जैसे कि हम जानते हैं कि ये ग्रीन वाली शिप्स हमारी हैं और ये काली वाली हमारी नहीं है, और मारमरा के इस खुले पानी में मौजूद शिप ने हमें अपनी मदद के लिए सिग्नल भेजा है, और ये सिग्नल फॉरेन शिप से मौसूल हो रहा है। Exactly सर, किसी ने हमारे सिस्टम को हैक किया है। क्या बात है डेफने? तुम्हें कैसे मालूम ये सिग्नल डेफने ने भेजा है? अगर मैं वाकई उसके छोटे से सर में मौजूद बड़े से दिमाग को अच्छी तरह से जानता हूं तो मैं उसे बचाने जा रहा हूं। चलता हूं मैं भी आ रहा हूं। तुम यहीं रहो और सिग्नल को चेक करते रहो, और मुझे इत्तला देते रहना। काश वो तुम ही हो जो सिग्नल भेज रही है डेफने। सर, ये सब क्या हो रहा है? मैं पागल हो जाऊंगा। दानिश सर, ये सब क्या है? दफने और यशम को अगवा कर लिया। क्या है? क्या मुमकिन है कि ये सिग्नल दफने ने भेजा? क्या तुम्हें पूरा यकीन है? दफने के सिस्टम को दफने के अलावा और कोई हैक नहीं कर सकता। कोई भी इसके सिस्टम फायरवॉल को क्रॉस नहीं कर सकता, मेरा मतलब सिवाय डफने के। तुम्हें यकीन है? पूरा यकीन है मुझे, यहां तक कि मेरी टेक्नोलॉजी का जीनियस बॉस भी इस सिस्टम को हैक नहीं कर सकता। ऐसा तो मत कहो, वो ये कर सकता है। नहीं, वो नहीं कर सकता। मैं अपनी 5 महीने की तनख्वाह दांव पे लगा सकती हूँ। तो फिर ठीक है, तुम्हारी सैलरी मेरी। वाह 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 वाह, तुम मेरा जहन हटाने की कोशिश कर रही हो ताकि वो यशिम और डफने की वजह से खराब ना हो जाए। सही कह रहे हैं आप, लेकिन खैर मेरे बॉस बहुत ज़हीन हैं। बहरहाल तुम्हारी 5 महीने की सैलरी मेरी हुई, वैसे भी मुझे जरूरत है।
अरास? वरुचि, मुझे लगता है मैंने लड़कियों का पता लगा लिया है। तुम करताल आ जाओ। नहीं, तुम्हारे लिए कोई सफर नहीं। ठीक से देखो, मुझे यकीन है कि है। नहीं, मैं देख चुका हूँ। देखो तो। नहीं है। है। कह रहा हूँ ना, नहीं है। है। नहीं। है भाई। नहीं। बिल्कुल है। नहीं। बिल्कुल है। नहीं। बिल्कुल है। नहीं। बिल्कुल है। बिल्कुल है। बिल्कुल है। बिल्कुल है। नहीं। बहुत हो गया बस। ए, तुम इस तरह से गेम छोड़कर नहीं जा सकते। तुम्हें एक बात बताती हूँ, हर कॉफी रीडिंग में कम से कम 3 सफर तो जरूर होते हैं भाई। खैर, कोई सफर नहीं है देखो, लेकिन यहाँ कुछ है। चलो कुछ तो है यार। अरे देखो तो तुम इसकी तरफ, इसकी मासूमियत कितनी प्यारी है। आई, दिखाओ मुझे भी। यहाँ देखो, लेकिन ये मोटे भालू की तरह नहीं है। हाँ, सही, कितना प्यारा भालू है ना। एक बात तो बताओ, क्या तुम्हें लगता है कि ये भालू मुझे बचा सकता है? ओ खुदा के वास्ते डैफने, आखिर ये तुम कैसी बातें कर रही हो? आदम, ये मेरी नीली आंखों वाला लड़का है क्या? हाँ, देखो तो उसे। नहीं, यहाँ आपके लिए कोई नहीं, लेकिन डैफने के लिए है। हाय, मेरा सेहतमंद भाई कप में आ गया, लेकिन डेढ़ पसली स्नान नहीं आया। यार यशिम बाजी, आप उदास ना हो, मैं तो यहाँ एक आदमी को ढूंढ रहा था, लेकिन सिंगल पसली तो है यहाँ। मेरा बेबी, देखो तो मेरा प्यार भी आ गया यहाँ। वैसे उसे कब की कोई जरूरत नहीं, वो तो वैसे ही आ जाएगा। मेरे ख्याल में तुम कॉफी रीडिंग के बारे में कुछ भी नहीं जानते हो। तुम्हारा क्या मतलब क्या नहीं जानता? देखो, तुम बहुत जल्दी उन लोगों से मिलने वाली हो। अच्छा, लेकिन कैसे? तुम्हारा कहना है कि इस रीडिंग के मुताबिक अब मेरी लाइफ में कोई सफर नहीं है। हाँ, ऊपर से हम दोनों यहाँ कैद हैं, तो बताओ कि कैसे मिलूंगी मैं? हाँ, एक तो तुम हमारी मदद नहीं कर रहे हो, और जितनी देर हम दोनों यहाँ रुकेंगी ना, वहाँ उनकी जिंदगी में दूसरी लड़कियाँ आ जाएंगी जो कि हम दोनों से बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होंगी। लेकिन तुम्हें क्या? अरे रहने दे डैफने बाजी, आप कल रात से बहस कर रही, मेरा तो दिमाग खराब हो गया। मैंने कहा था ना, मैं नहीं जाने दे सकता जब तक कॉल नहीं आ जाती। आपको यही रहना होगा। इसके अलावा आप जानती हो वो क्या कहते हैं, जो आपकी किस्मत में होगा वही होगा। इसकी बात सुनो, कितनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है ये। मैं जानती थी मैं कि तुम समझ जाओगे कि वो सिग्नल्स मैंने भेजे हैं। ओह मेरी जान, तुम ठीक हो? मेरी जान, मेरी जिंदगी। मेरी जान ठीक हो ना तुम? मुझे पता था आप मुझे बचा लेंगे। तुम ठीक? बिल्कुल ठीक हो आप? ठीक है, शुक्र है कि आप आ गए। डैफने बेचारे आदम को तो देखो। बेचारा कहा तुमने से? तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? बेचारा कहाँ से लग रही है तुम्हें? रुक जाओ सारा, पहले हम यहाँ से निकल जाएं, उसके बाद खुद को बेचारा तसव्वुर कर सकते हो। क्यों, हमने ऐसा क्या किया? मेरी जेब से गाड़ी की चाबी चुराकर वहां से फरार होना काफी होगा तुम्हारे लिए डैफने। तो तुम उस बारे में बात करें। अभी मत बताओ, हम इसके बारे में बाद में बात करेंगे।
पहले इस आदमी को ठिकाने लगाना है हमें। बेचारा। बरुची, इसे बांधो फौरन। मैं तो फैल भाई को फोन करता हूँ। पहले मैं इसके हाथ बांधता हूँ, उसके बाद सोचते हैं क्या करना है। ऐसे बांधूंगा खोल ही ना पाए। उफ, अब ये सनान कहाँ रह गया? हो सकता है वो कुछ देर के लिए घर पे सो गया हो। अभी तो बैंक जाने में वक्त है। उसे नींद कैसे आ सकती है? तुम भी बिल्कुल नहीं सोए हो। मैं अकेला नहीं जो नहीं सोया, तुम भी तो नहीं सोई ना। हाँ बोलो यालिन। हेलो, तो फैल भाई अच्छी खबर है, लड़कियां मिल गई। हाँ, क्या मतलब इसका? भाई ठीक है, हम फिक्र नहीं कर रहे। आप? हम ठीक हैं, जबरदस्त हैं। जबरदस्त लैला, लड़कियां मिल गई हैं। आई, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। मैं जानती थी वो ढूंढ लेंगे। ओ यालिन, तेरा शुक्र, बहुत शुक्र है तेरा। आई। अच्छा अच्छा, आराम से आराम से, ठीक है लैला, बस ठीक है। रुक जाओ लैला, क्या कर रही हो? हेलो, तो फैल भाई लाइन पर हो क्या? क्या हो रहा है? नहीं मालूम, अचानक से आवाज बंद। हाँ। कहीं बेहोश तो नहीं हो गया? अब बस भी करो लैला। मैं बिल्कुल नहीं रुकूंगी, मैं लड़कियां मिल गई। बस भी करो। अच्छा ठीक है, ठीक है, बस कर दो यार, हमारे साथ फैमिली भी है। अरे लैला, अब छोड़ दो इस आदमी को। क्या है, वो पहले ही मुझसे दूर हो चुकी है, बदतमीज। चले, आपने अपने आप को उससे बचा लिया भाई। बस बहुत हो गई बकवास। कहा हो तुम लोग, ये बताओ। मारमना समंदर के खुले पानी में शिप पर हैं। वो आदमी उन्हें शिप पर लेकर आ गया था, बस अभी हम उसी आदमी को ही बांध रहे हैं। नुकसान तो नहीं पहुंचाया उन्हें? जब हम यहाँ पहुंचे तो डेफनी उसे नुकसान पहुंचा रही थी। कैसे? अपनी बकवास से। यालिन, वही तो मेरा सबसे बेहतरीन हथियार है भाई। एक मिनट रुको लड़की। ठीक है, बस बहुत हो गया। यालिन, सिनान से कहो कि मुझे शिप की लोकेशन भेजे, मैं पुलिस को भेजता हूँ ताकि वहां से निकला जा सके। भाई, साथी रवि भी खुला घूम रहा है और हमें हर हाल में उससे भी जान छुड़वाने की जरूरत है। वो कैसे? मेरी बात सुने। मुझे बताओ, वो सिग्नल डेफने का ही था ना? हाँ हाँ, बिल्कुल डेफने का ही था। हमने लड़कियों को बचा लिया। वाह यार, क्या बात है। कैसी हैं वो? ठीक तो है ना? ठीक है बिल्कुल। अब हम घर जा रहे हैं, रात में तफसील से बात करेंगे। ठीक है, रात में मिलते हैं। वाह यार, जिंदगी दो दिनों के लिए रुक सी गई थी। तानिया, मैंने दो दिन से आज से बात ही नहीं की। दुनिया तो फिर से चलने लगी है। अरे यार नहीं, ऐसी इस दुनिया को हिला कर रख देगी। आपको जाना चाहिए, फौरन जाए। ठीक है, मैं फौरन जाता हूँ। एसगी को लेकर मतलब घर पहुँचता हूँ, तुम्हारी सैलरी बाद में ले लूंगा। ठीक है ठीक है, अभी हम जल्दी जाएं। ठीक है, फूल भी लेते हुए जाएगा। ठीक है ठीक है। चलो। आदम, क्या ये तुम हो? हाँ, लगता है कि आदम अंदर चला गया है। डेफने, क्या मैं रोना शुरू कर दूं फिर से? मुझे नहीं पता यशम, कोशिश कर लो। जब यशम, बस कर दो यार, बस कर दो। क्या हो गया? पूरे रास्ते तुम आदम आदम करती हुई आई हो। चलो लड़कियों, अंदर चले।
शुक्र है मेरी बच्ची आ गई। मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। हाय मेरी बहन। दादा। यशी मेरी जान, मेरी आंखों की ठंडक। चलो आओ लैला, चलो लड़कियों अंदर चलते हैं, जल्दी करो। सिनान, देखो आदम को ज्यादा तकलीफ नहीं देना तो। अरे भाड़ में गया तुम्हारा ये आदम यार, चलो अंदर चलो। क्या इसका नाम इब्लिस है? मुझे तो ऐसा ही लगता है भाई। चले हैं नीचे चलते हैं, मुझे आपसे बहुत सारी बातें करनी है। शर्म आनी चाहिए तुम्हें आदम। ठीक है दादा, हम उसे संभालने की फिक्र मत करें, अंदर जाइए आप। इसे तुम यहाँ क्यों लेकर आए हो बेटा? सिराज अंकल आप बेफिक्र रहें, मैं इस मामले को संभाल लूंगा। उम्मीद है कि तुम लोग जानते होगे कि क्या कर रहे हो तुम लोग। चलो ये क्यों किया तुमने? पैसे के लिए। कितने पैसों में सौदा किया? 30,000। कितने बेगैरत इंसान हो, 30,000 रुपए में लड़कियों को अगवा करते हो। हाँ हाँ, देखो इसको कितने इत्मीनान से बात कर रहा है। मुक्का मार के मुंह तोड़ दूंगा मैं इसका, पागल कहीं का। क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? बरूची पुरसुकून हो जा वरना मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा। जानते हमने तुम्हें पुलिस के हवाले क्यों नहीं किया? नहीं, हद होती है। कैसा आदमी है ये? पचास हजार। जब सातर का फोन आया तो कहना लड़कियां तुम्हारे पास हैं, ताकि सातर तुम्हारी बताई हुई जगह पर पहुंचे और पुलिस उसे गिरफ्तार कर ले। अगर जरूरत पड़ी तो तुम्हें भी वहां जाना होगा, और इसके बदले में हम तुम्हें 50,000 देंगे, तुम्हारा काम खत्म होते ही। और ऐसा क्यों करूं? क्योंकि हम चाहते हैं कि सातर जलाल पकड़ा जाए। और पकड़ा क्यों जाए? कमीने, मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। ये जितनी बिठिटाई ना सारी निकल जाएगी एक मिनट में। कोई और रास्ता नहीं है तुम्हारे पास, या तो जेल जाओ या ये करो। इस सब के बाद आखिर तुम मुझे जेल ही तो भेजोगे? वाह क्या बात है, तुमने तो हमें एक और आइडिया दे दिया। इब्लीस, अहमक लगता हूँ क्या? हम लोग अपनी बात के पक्के हैं, अगर कहा कि जेल नहीं भेजेंगे तो नहीं भेजेंगे। क्या कहती हो मलिक? पचास में नहीं करूंगा। अब तुम सौदेबाजी करोगे हमसे? हाँ। कितने चाहिए तुम्हें? 40,000। क्या तुम पागल हो? मजाक कर रहे हो क्या हमारे साथ? इसकी कीमत यही है। तुम लोगों को पैसों के लिए अगवा करते हो और तुम उस काम के लिए ज्यादा कीमत भी नहीं लेते। आखिर तुम किस तरह के आदमी हो? हक से ज्यादा पैसा हराम होता है। यार ये किस तरह की बातें कर रहा है? पागल वागल तो नहीं है क्या ये? हद होती है यार। ठीक है 40,000। अब हमें सातर की कॉल का इंतजार करना होगा। मैं इस आदमी को तो जानता। सिनान, चलो यार अंदर जाओ। तुम आशिक मियां, अपनी किस्मत को आजमाओ। पासी कहीं मेरी गर्लफ्रेंड है जो मेरा सर तोड़ने को तैयार है। क्या आप जानती हैं वो मुझे कहाँ मिलेगी डॉक्टर? मुंह मत लगो दानिश,
हे नहीं एजगी एजगी प्लीज मेरी बात सुनो, फिर तुम्हें एहसास हो जाएगा कि तुमसे ना मिल पाने की मेरी वजह कितनी माकूल है। अब कौन सी वजह है तुम्हारे पास? अपनी गर्लफ्रेंड से बात करने के लिए तुम्हारे पास कोई माकूल वजह हो ही नहीं सकती एजगी। हाँ, लेकिन अगर दानिश साहब सुबह सुबह दानिया के घर जाएंगे तो दो दिन गुजरे या दस दिन वो कॉल ही नहीं करेंगे। ना काबिले यकीन, यकीन नहीं हो रहा कि तुम मेरा पीछा कर रही थी। कर रही थी, और मुझे तो खुशी है कि ऐसा किया मैंने, वरना तो मैं सोच सोच कर पागल हो जाती कि दानिश आखिर मुझसे बात कर क्यों नहीं रहा। यशम और डेफनी अगवा हो गई थी, इसीलिए तुमसे बात नहीं कर पाया था। क्या दानिश, रुको, ये किस तरह का मजाक कर रहे हो? क्या अच्छा नहीं लगा तुम्हें मेरा मजाक? हाँ दानिश, मुझे बताओ तो सही, हुआ क्या है? उन्हें अगवा करने वाले आखिर थे कौन? मैं तुम्हें ये सब बताने वाला था, लेकिन तुम तो उसके पीछे वजह तलाश करने लगी। सातिर जलाल ने अगवा करवाया था। मेरे यहाँ आने से 10 मिनट पहले यालिन और सिनान ने उन्हें छुड़वा लिया है। या मेरे अल्लाह। जानती हो मेरे लिए ये जिंदगी रुक गई थी, इसी वजह से तुम्हें कॉल भी करना याद नहीं रहा। देखा जाए तो तुमने भी मुझे कॉल नहीं किया इसकी। जैसे ही लड़कियां मिली मैं फौरन यहाँ चला आया। मैंने सोचा था कि जब ये खत्म होगा तो तुम्हें डेफने से मिलवाने ले जाऊंगा, लेकिन शायद मेरा ख्याल गलत था। तुम पूरी तरह पीछा करने वाली बन चुकी है इसकी। चलो अब भी पीछा करो मेरा। ये इल्जाम तराशी करने का वक्त नहीं है, इस वक्त मेरा डेफने और यशम से मिलना बहुत जरूरी है। ठीक है ठीक है, लेकिन आइंदा कभी भी मेरा पीछा करने की कोशिश मत करना। अगर तुम मुझे दानिया के बारे में सब कुछ बता देते तो ये नौबत ही ना आती कभी। नहीं बता सकता इसकी, सुना तुमने, दानिया के बारे में कुछ भी नहीं बताऊंगा, और तुम्हें हर चीज के बारे में अपना ये जुनूनी रवैया बदलना होगा। क्या बात है? मेरे पास 2 लड़कियां हैं और तुम्हारे पास 50 मिलियन। नहीं करो यार, तुम तो बहुत तेज निकले, वरना मैं तो यहाँ तुम्हें पैसे जमा करने के लिए एक और दिन देने वाला था। सातिर बहुत हो गया, पर कम तैयार है, जगह बताओ और लड़कियां वापस कर दो। अगर तुम्हें इतनी ही जल्दी है तो मुझे कोई मसला नहीं। तकरी दाग रोड पर केवर क्लार्क गांव के बारे में तो तुम जानते होगे। नहीं, लेकिन पता लगा लूंगा। हाँ पता कर लो, पर वहां मत जाना। सातिर, मैं तुम्हारी ज़बान खींच लूंगा। अरे रहने दो तुफैल, तुम्हारे तो हिस्से मिजाज ही खत्म हो चुकी है। ठीक है दोस्त। ठीक है, मैं तुम्हें एड्रेस टेक्स्ट कर रहा हूँ, 8 बजे तक पैसे लेकर वहाँ पहुँच जाना। बहुत ही बेगैरत आदमी है ये, मुझसे मजाक कर रहा है। भाई भाई पुरसुकून हो जाए, बोलने दो उसको, कुछ भी कहता रहे वो क्या फर्क पड़ता है, और वैसे भी लड़कियां तो हमारे पास है ना और महफूज है, आज रात को ये रोएगा। दोस्तों इब्लीस का फोन बज रहा है। तुम जानते हो ना क्या करना है? तमीज से बात करना वरना दांत तोड़ दूंगा तुम्हारे। इब्लीस, तुम्हें मेरी आवाज आ रही है? अपने परिंदे को एक तरफ रख दो, बहरहाल अब लड़कियों को लेकर आ जाओ, 8 बजे तक जंगल के पीछे ऐतमका गांव पहुंच जाओ, मैं जंगल के सामने तुम्हारा इंतजार करूंगा। हाँ समझ गया, मैं इब्लीस को लेकर निकलूंगा। सनान, लैला और डेफने को लेकर घर पहुंचो, मेरी कॉल का इंतजार करना। भाई हम भी आएंगे। नहीं। अरे भाई मगर मना किया ना मैंने, लड़कियों को एहतियात के साथ घर पहुंचाओ और अपनी आंखें खुली रखना। रस्सी खोल। चीफ, हमें लोकेशन का पता चल गया। तुफैल,
कहाँ है वो? अंदर है। तुम ठीक तो हो ना मेरी जान? हाँ भाई मैं बिल्कुल ठीक हूँ। शुक्र है तुम लोग मिलते हैं। मैं तो डर गया था। मेरे पास सही सलामत वापस आओगे तुम तो फैल? हो सका तो सही सलामत वापस आऊंगा लैला। इसका क्या मतलब हुआ? मैंने तुम्हें और कोई ऑप्शन नहीं दिया है तो फैल? जानता था तुम यही कहोगी लैला, लेकिन महफूज या सही सलामत आऊं कोई गारंटी नहीं। गारंटी देनी पड़ेगी तो फैल। मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि जिस आटे को गूंदा है वो खराब हो जाए। जब गूंद ही लिया था तो पका भी लेती मुझे। तो फैल? लैला, कहाँ रह गया अभी आदमी? आजकल वक्त की कोई कदर ही नहीं है। अल्लाह, हद है। डरा दिया मुझे। जानते हो ना मेरे प्यारे बॉयफ्रेंड को, वो जो लंबा चौड़ा सा है, यालिन आरास। हाँ, वही यालिन की अम्मी। दरअसल जब वो बहुत छोटा था उसे छोड़कर चली गई। किसी भी तरह उन्हें ढूंढना है हमें। तुम्हारा खेल खत्म सातिर, मुझसे उलझने से पहले सोचना चाहिए था। तुम बचोगे नहीं तुफैल। सातिर पकड़ा गया। अल्लाह! सातिर पकड़ा गया क्या? क्या बात है?